हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नॉट आ जाए या नहीं रहे उसका प्रयोग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी तक पहुंच सके। साथ ही मैं आपको बता दूं, मेरा मकसद है हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे से समझाना ताकि वो हर डाउट को क्लियर कर सके। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, टाइम ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लेसन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम किसको बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? अगर वाक्य में क्या है, अगर वाक्य में क्यों, कब, कैसे, कहाँ इत्यादि रहे तो उस वाक्य को हम कैसे बनाएं। तो रहने पर वाक्य कैसे बनाएं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, तो सबसे पहले हम इसमें ढूंढेंगे क्यों, कब, कैसे, कहाँ इत्यादि कहाँ है वाक्य में हम ढूंढेंगे। जैसे ये मेरा वाक्य है, आपने यह काम क्यों किया है, आपने यह काम क्यों किया है, तो इसमें क्या है, ये क्यों आ रहा है, तो क्यों को हम सबसे पहले लेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो इस प्रकार से होगा, क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, इसको हम पहले रखेंगे। उसके बाद क्या रखेंगे, हैव या हैज। उसके बाद क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या रखेंगे, अगर नॉट नहीं रहेगा तो भी थ्री, उसके बाद अदरवाइज। अगर नॉट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद भी थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदरवाइज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत। सबसे पहले हम रखेंगे व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर। उसके बाद हम रखेंगे हैव, हैज। उसके बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट को। उसके बाद अगर नॉट है, नहीं है तो नॉट रखेंगे, नहीं तो वी थ्री रखेंगे। अगर नॉट है तो नॉट के बाद वी थ्री, उसके बाद अदर वर्ड्स। यहाँ तक कोई डाउट? उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लाया हूँ। क्या है एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कैसे वाक्य बनता है, कैसे वाक्य बनता है। पहले तो हिंदी वाक्य मैं आपको पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इसका इंग्लिश बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा जो पहला वाक्य है क्या है, आपने यह काम क्यों किया है। क्या है वाक, आपने यह काम क्यों किया है। अब इसमें हम ढूंढेंगे क्यों, तो क्यों है, तो क्यों को हम सबसे पहले लाया देंगे वाई। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सॉरी हैव, हैज, तो हैव, हैज लग गया। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, आपने, तो उसके बाद यू लगा देंगे। काम किया, किया तो डन हो गया यह काम, तो दिस वर्क। ठीक है, तो वाई हैव यू डन दिस वर्क, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड वाक्य लेते हैं। नेक्स्ट वाक्य है आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, तो ये क्या हो गया, क्या मिल गया मेरे को, इसको क्या ले लेंगे, सबसे पहले ले लेंगे। अगर वही वाक्य क्या पहले लग जाए, क्या आपने किया है, तब क्या से शुरू होगा, हैव से, लेकिन ये क्या क्या है बीच में है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या कैसे, क्या हो जाएगा व्हाट, उसके बाद क्या लेंगे हैव, उसके बाद हम क्या लेंगे यू, क्या लेंगे यू, आपने है तो क्या लेंगे यू, उसके बाद किया, डन।
डन हो गया। तो व्हाट हैव यू डन, यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट वाक्य है हमारा, राम ने गाड़ी क्यों खरीदी है। राम ने गाड़ी क्यों खरीदी है, तो यहाँ पे हमारा वाक्य होगा व्हाई हैज राम बॉट अ कार। बाई का तीसरा रूप क्या होता है, बॉट, बॉट अ कार। नेक्स्ट हमारा वर्ड वर्ड है, वाक्य है, वे लोग कहाँ गए हैं। क्या है, वे लोग कहाँ गए हैं, तो यह कहाँ का क्या हो गया, वेयर, उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव, उसके बाद क्या हो जाएगा, दे, उसके बाद गया का, गो का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, गॉन। ठीक है, तो वेयर हैव दे गॉन, यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट वाक्य है, राम वहाँ क्यों नहीं गया है। अब ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें नेगेटिव सेंटेंस, दोनों एक साथ है। तो दोनों एक साथ है, उसका स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, प्लस हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, फिर वी थ्री, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो राम वहां क्यों नहीं गया है, तो इसका वाक्य कैसे होगा, वाई, वाई राम का, राम के साथ क्या लगता है, हैज, तो राम हैज राम, सॉरी, वाई हैज राम नॉट गॉन देयर, गॉन देयर। बच्चे क्यों नहीं सोए हैं, वाक्य है, बच्चे क्यों नहीं सोए हैं, Why have the children? Why have the children not slept? क्या है? Why have the children not slept? तो ये तो हमारा हो गया present perfect tense। उसके बाद ये negative sentence, इसमें interrogative sentence भी है। तो यहाँ तक तो आपको clear हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, दिक्कत कब खड़ी होती है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब कोई काम करेंगे तब पता चलेगा हमारे पास क्या कमियां हैं, कौन सा वर्ड हमें याद है नहीं है, कौन सा वर्ड का थर्ड पार्ट क्या होगा, वी थ्री क्या होगा, वी टू क्या होगा, वी वन क्या होगा, ये सारी परेशानी आपको आएगी। तो इसीलिए मैं आप हर वीडियो में आप प्रैक्टिस वाके देता हूँ, हर वीडियो में प्रैक्टिस वाक्य देता हूँ। तो आइए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस वाक्य दे दूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चर ये देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हमारा क्या है, प्रैक्टिस वाक्य बन के तैयार है। तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं एक एक रीड करते जाऊंगा, आप उसको लिख सकते हैं साथ साथ। आप साथ साथ लिखेंगे तो आपको भी थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा लिखने का, और आपका काम भी हो जाएगा। चलिए आगे इसको रीड कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसके बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला वाक्य है, वह कहाँ गया है। क्या है वाक्य, वह कहाँ गया है, सीता कब आई है, सीता कब आई है। इसमें देखते रहना, ये सब क्या है, ये सब आपका मेन वर्ड है, इसी से वाक्य बनेगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, वाक्य है, हम लोगों ने क्या किया है, राम क्यों जा चुका है, राम क्यों जा चुका है, उसने कैसे परीक्षा पास की है, उसने कैसे परीक्षा
पास की है। मेन वर्ड क्या है हमारा? कैसे। आपने यह कुर्सी क्यों तोड़ी है? आपने यह कुर्सी क्यों तोड़ी है? आपने मेरी मदद क्यों की है? आपने मेरी मदद क्यों की है? सीता ने यह काम क्यों किया है? सीता ने यह काम क्यों किया है? मैंने क्या नहीं किया है? मैंने क्या नहीं किया है? आपने श्याम को क्यों नहीं पीटा है? आपने श्याम को क्यों नहीं पीटा है? आपने अपनी गाड़ी क्यों नहीं बेची है? आपने अपनी गाड़ी क्यों नहीं बेची है? राम ने पत्र क्यों नहीं लिखा है? राम ने पत्र क्यों नहीं लिखा है? आपने यह काम क्यों नहीं किया है? आपने यह काम क्यों नहीं किया है?